सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ इज वेल्थ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं नई वीडियोज की जानकारी पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुझे मामा अर्थ ओनियन हेयर ऑयल को यूज करते हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं। मैंने इससे पहले इस वाली बोतल को ख़त्म कर दिया है, जो कि 150 ml की पैकिंग वाली बोतल पहले मेरे पास थी। अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने इसको कम्प्लीटली यूज किया है और अभी फ़िलहाल मैं 250 ml वाली मामा ओनियन हेयर ऑयल की पैकिंग को यूज कर रहा हूँ। आगे इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो मैंने पिछले 5 महीने यूज करके मुझे जो फ़ायदे हुए हैं उनके बारे में बात करूँगा। मैंने इस ऑयल को कैसे यूज किया है, इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं, इस वीडियो में आपको सब जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मामा अर्थ ओनियन हेयर ऑयल के फ़ायदे और इसका रिव्यू पहले भी डाला हुआ है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करें सबसे पहले फ़ायदों की, तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फ़ायदा जो मुझे हुआ है वो है हेयर फॉल को लेकर। मेरा हेयर फॉल पहले काफ़ी होता था, यदि मैं नॉर्मल भी बालों में हाथ फेरता था तो भी बाल टूट जाते थे, लेकिन इसको यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे अभी तक हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो मैंने अपने बालों की लंबाई बिल्कुल कम कर दी थी। मैंने उसको बिल्कुल छोटे छोटे करके और अच्छे से मसाज किया है। इसके साथ साथ हेयर फॉल कंट्रोल के साथ साथ मेरे जो बाल थे वो बहुत सूखे रहते थे, और मैं इसको लगातार यूज़ कर रहा हूँ, इसके कारण बाल जो हैं वो थोड़े स्मूथ भी हुए हैं और उनके ड्राइनेस भी ख़त्म हुई है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने इसको किस प्रकार यूज किया है। तो पहले मैंने बताया आपको कि मैंने मेरे बालों को बिल्कुल छोटा कर लिया था। छोटा करने के बाद मैंने इसको डेली यूज किया है। नहाने के बाद मैं इसको अच्छे से मसाज करता था, लगभग 5 मिनट अच्छे से ऑयल की मसाज करता था। इसके साथ साथ हर चौथे दिन मैं मामा अर्थ ओनियन शैम्पू से अपने स्कैल्प की सफाई करता था, उसको धोता था, और साथ में मामा अर्थ ओनियन कंडीशनर को भी मैंने यूज किया। इन दोनों का यूज किया है। यदि आपके पास ये शैम्पू और कंडीशनर नहीं है तो आप भी कोई माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें, कोई ज़्यादा हैवी और केमिकल युक्त शैम्पू इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ यदि आपके बड़े बाल हैं तो भी आपको लगभग हर तीसरे दिन इस ऑयल की मसाज करनी है, उससे ही आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब यदि बात करें, यदि आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको कितने दिनों बाद इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, तो आप इसे लगातार डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं तो लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल 1 या 2 दिन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इसे लगातार यूज करना है। मैं इसे लगातार यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा लगा है। इसके साथ साथ अपने शरीर में पानी की मात्रा को अच्छा रखना है, और मैंने साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी शुरू किया है। रोज़ 10 मिनट ये प्राणायाम करता हूँ और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है। मेरा हेयर फॉल अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। यदि आगे मुझे फिर से कोई हेयर फॉल की समस्या होती है तो वो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा। अभी तक मुझे ऐसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ये वीडियो जो आपने देखा ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने इसे अपने पैसों से ही ख़रीदा है, ये कोई कंपनी से स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।